हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज जैसे मैं ड्यूटी से आया ना अभी, तो मैंने देखा कुछ नया हो रखा है घर के अंदर कमरे में। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर कर दूं ये, क्योंकि कुछ अलग सा ही दिख रहा था मुझे, जनरली दिखता नहीं है जो। तो मैं दिखाता हूँ आपको, रूम में ले चलता हूँ और बच्चे वहीं मस्ती कर रहे हैं। तो ये देखिए आप भी कैसा हो रहा है, जलाओ लाइट जलाओ। ये देखो ये क्या चीज है, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है क्या चीज है। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन आपको सामने कुछ दिख रहा होगा। तो अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ जलाओ वंशी जलाओ, ये देखिए कुछ अलग ही है। तो इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है अभी, क्योंकि मैं अभी जस्ट आ ही रहा हूँ। श्रियांश आपको पता है ये टेंट हाउस किसने बनाया? वंशु ने बनाया। अच्छा देखो आप, वंशु कितना खुश हो रखा है। तो ये देखिए आप कैसे बना हुआ है टेंट हाउस, और लाइट उसमें लाइट लगा रखी है, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये बात शेयर करूं, मतलब अच्छा लग रहा है टेंट हाउस घर में बना हुआ है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और ना श्रियांश और वंशु तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं इससे। तो चलो मैं शानू से पूछता हूँ, इसने बनाया कैसे बनाया है और कहाँ से आइडिया आया इसके दिमाग में। तो ये रही शानू। तो शानू बताओ कहाँ से आपके दिमाग में आइडिया आया टेंट हाउस बनाने का, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो बताओ कैसे कैसे बनता है ये आइडिया? ऐसे उसमें देखा ना, मैंने ऑनलाइन देख रही थी मैं टेंट बच्चों के लिए। अच्छा, होते नहीं है बच्चों के खेलने के लिए होते ना टेंट हाउस जैसे। हाँ। तो वो तो बहुत महंगे आ रहे थे। फिर वो तो क्या, बच्चे दो दिन खेलते हैं और फिर हैंग साइड कर देते हैं। हाँ। तो फिर मैंने सोचा घर पे ही बनाती हूँ। तो फिर वही यूट्यूब से देखा मैंने, बस थोड़ा अपनी अलग से क्रिएटिविटी कर रखी है, थोड़ा यूट्यूब से देखा। तो मैं आपको पूरा फिर से शुरू से दिखाती हूँ कि मैंने क्या कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे बनाया है। ठीक है? अच्छा ठीक है। तो इसके लिए मैंने ले रखी है दो बेडशीट, पुरानी बेडशीट है, यूज नहीं होती जो, वो ले रखी है। ठीक है? आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से, जिस हाइट पे आपको बनाना है ना उस हिसाब से। साड़ी है, पुरानी साड़ी, तो मेरे पास साड़ियाँ थी तो फिर मैंने बेडशीट ही ले रखी है। साड़ियों से भी बना सकते हैं, साड़ी हो या चुन्निया हो, चुन्निया हो, हाँ या बेडशीट हो, कुछ भी हो। तो एक बेडशीट है, दो बेडशीट है। ठीक है? ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसे करना है ऐसे, ये करना है फोल्ड ऐसे, साड़ी की तरह बांधना है इसको। हाँ, ऐसे फोल्ड करना है जैसे साड़ी पहन, मुंजी बनाते ना साड़ी पे। हाँ, जैसे साड़ी वो करते हैं, तो इस तरह से इसको बना देना है। ये बना दिया। और हमको चाहिए रबड़ बैंड। अच्छा, रबड़ बैंड चाहिए। ठीक है, यहाँ से नोट ऐसे बांध दिया। ठीक है, एक ये है, ये दूसरे, इसको भी ऐसे करना है सेम। ठीक है, और यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ पे यहाँ पहले से वो लगी हुई है, क्या कील है यहाँ पे ना? हाँ, यहाँ पे हमारी पहले से कील, कुछ भी लगा लो आप जो ये, अरे ये रबड़ है ना, रबड़ इसको यहाँ टकाना है कील पे। तो हमारे यहाँ पे कील पहले से है, बस सिंपल है बस। तो बस कील पे टांग दो रबड़ को, और हमारे दो बेडशीट हैं दोनों को यहाँ पे हमने इस तरह से टांग दिया है। और इसको पूरा टेंट के जैसे आकार देना ना।
उसके अंदर पीछे डाल दो इसको, यहाँ ऐसे ऐसे दबा लो बस, बैठ के यहाँ से दबा देते हैं, साइड साइड से दबा लो। ये वाला भी ऐसे करना है। तो निचला ऊपर का हिस्सा वहाँ रबड़ से बांध दिया है, और जो निचला हिस्सा है हमारा बेड सीट का, वो हम बेड के चारों तरफ नीचे दबा देंगे इसको, और इसको दे देंगे हम टेंट का सेप। तो ये लग रहा है ना टेंट का सेप, देख लीजिए आप टेंट का सेप बन चुका है हमारा ये। बस ये हो गया, और पिलो रख देती हूँ। तो ये पिलो रख देंगे हम इस तरह से, और जो बच्चों के टॉयज शॉप टॉयज से टेडी बेयर वगैरह ये इससे भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं। हाँ ये अच्छे लगते हैं ना साथ में। हाँ ये नानू और वंशु तो नहीं लेके सोए रहते हैं। तो बच्चों को अक्सर ये चीजें बहुत पसंद होती है ना, टेडी बियर होती है जो, तो इनको लेके सोते रहते हैं बच्चे, तो ये जरूरी है इसमें, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। हाँ बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बच्चों के टॉयज या टेडी बियर जो भी हैं, और ये हम इसको डेकोरेट कर देते हैं इस तरह से। तो झूमर भी लगा रखे हैं डेकोरेट करने के लिए, ये तो बस हाँ ये इस तरह से लगा दिया है। मेरे पास पड़े हुए थे ना। हाँ ये झूमर हमारे पास दिवाली के टाइम के हैं, तो हमने लगा दिए हैं। तो ये आप अगर हैं तो लगाओ, नहीं है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से कर कुछ भी कर सकते हो। हाँ ये मैं इनको एक साथ में सेफ्टी पिन है मेरे पास, आधे इस साइड लगाई मैंने, आधे दूसरी साइड लगाई। तो फिर मैं इनको एक साथ करी पिन अप। तो ये हमने डेकोरेट कर दिया है अपना टेंट, और जो इसको अच्छा लुक देगा उसके लिए है ये लाइट। हाँ तो ये लाइट हमारे पास थी, तो लाइट से अच्छा लग जाएगा, क्योंकि बच्चों को ये काफी पसंद आती है लाइट। हाँ लाइट जलती है ना, तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो बस बच्चों के लिए बना रहे हैं हम, तो सारी चीज़ें बच्चों की पसंद के अनुसार ही हम इसे बनाएंगे टेंट को। और ये हमने इसमें लाइटें डेकोरेट करने के लिए लगा दी हैं इस तरह से। अगर आपके पास और लाइटें भी हैं तो आप और लाइटें भी लगा सकते हैं। तो बस ये देखिए आप, बन गया हमारा टेंट हाउस, रेडी हो गया एकदम टेंट हाउस बच्चों का। एक बार लाइट ऑफ करके देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप, होममेड टेंट हाउस, देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी श्रियांश और वेदांश को हमने टीवी पे बिजी कर रखा था, क्योंकि वो वीडियो बनाने नहीं देते ना बच्चे, बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के साथ वीडियो बनाना। तो अभी उनको टीवी पे भेजा था मैंने, तो आ रहे हैं, उनको बुला रहे हैं अब हम। तो ये देखो आ रहे हैं दोनों, चलो अपने टेंट हाउस में। तो ये देखो वंशु अपने टेंट हाउस में चला गया है। वंशी
कैसा लग रहा है आपको? वाओ वाओ कह रहा है। और अब श्रियांश भी जा रहा है अपने टेंट हाउस में। ये कैसा लग रहा टेंट हाउस? प्यारा लग रहा है। वंशु आपको कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। हाँ अब आप यहीं सोओगे ना दोनों भाई? ये देखो ये तो वंशु सो गया। ये देखो प्यारा बच्चा। और श्रियांश और वंशु यहीं सोएंगे ना? है ना, है ना? अच्छा लग रहा ना? किसने बनाया वंशु? किसने बनाया? पापा ने बनाया। पापा ने नहीं बनाया, मम्मा ने बनाया। कमेंट तो दोस्तों कैसा लगा हमारा टेंट हाउस आपको, आप जरूर बताना। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे बड़े खुश हो रखे हैं दोनों, श्रियांश और वेदांश। देखो वहीं बैठे हैं और वहीं सोएंगे आज वो दोनों, है ना? दोनों वहीं सोएंगे ना आज। अच्छा लगा आपको हमारा आज का ये ब्लॉग, आप जरूर बताना। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो हमारा ये ब्लॉग। करता हूँ मैं बस इस वीडियो का यहीं पे एंड। बाय 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 फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, लव यू कर दो, लव यू कर दो।